स्टेज पर रोने रुलाने का सीन पेश करें तो तुम लोग बहुत अच्छी अदाकारी कर सकती हो। क्या तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ? गॉड ना करे, तो ये सब क्या है? कॉमेडी। ये एक कसम का स्टेज। और ये जानने के लिए कि तुम लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। तुम इमाम से तुम बड़ी वो। ओहो, तुम लोग तो जानते हो जैजी घर पे हो तो घर पे उसे लोगों का राज होता है। ये करो, ये ना करो, ये खाओ, ये रखाओ ना। आप तो उनके बात करो, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक जिंदगी गुजारो। डैडी आजकल यूरोप गए हुए हैं, मैंने सोचा क्यों ना मजाक कर ले। अगर ये मजाक हम में से किसी की जान ले लेता फिर? ओहो, ये मौसम जान लेने का नहीं, प्यार करने का है। अच्छा, तुम्हें भी कोई प्यार करने लगा है? तुम्हें नहीं मालूम ये हादसा हो चुका है? हाँ, कौन है वो? उम्र होगी 80 साल। तुम 80 साल को दिल पे बैठी? अरे यार, मैं नहीं वो दे बैठी। एक दिन बुशा को फोन कर रही थी, लाइन जा मिली उनसे, मैंने होल किया, वो ही भरने लगा। मैंने बात की, वो साहब इश्क फरमाने लगे। फिर मैंने उनसे फोन करने का वादा करके उनका नंबर ले लिया। और जरा उस उल्लू के पट्टे को फिर उल्लू बनाए। चलो जल्दी बनाओ उसको। देखो, एक किला टल खड़काया है, कौन साडे बुए ते आया है, किसने घंटी बजाई? हाय, क्या हल्की हल्की फूंक है, क्या महकी महकी हवा है। हाय, जब फूंकों का ये आलम है तो होंठों का क्या आलम होगा। मैं सबके जाऊं, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, तेरा ख्याल दिल से मिटाया न जाएगा। हाय, कुछ ना पूछ जाने मन, गाना और बजाना दोनों ही बहुत भले लगे, मगर ये तो बताइए कि आप हैं कौन? आपकी पुजारिन। मेरी पुजारिन? यूं कहिए कि मेरी मत मारन। तुम हमें भूल गए हो साहब, हम तुम्हें बहुत याद किया करते हैं। अरे जाइए, आप खाक याद किया करते हैं। अरे मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम, प्यार किया जाने। अरे झूठ बोल रही हैं आप, खुदा रे झूठ बोलकर अपने खूबसूरत होंठ पे जुल्म ना कीजिए। अगर आपने हमें याद करना होता तो हमें टेलीफोन का नंबर दे देती। अब आप बताइए, जब आपने मुझे टेलीफोन का नंबर ही नहीं दिया तो मैं आपको कहाँ ढूंढता। ओहो, मैं भी कितनी नादान हूँ, फोन नंबर दिया नहीं और आपके फोन आने के इंतजार में करवट बदलती रही। हाय मार सुटे जालमे, यादों में तेरे जाग जाऊंगे हम, रात भर करवटे बदलते हैं। ये दूसरी शुद्धि कौन थी, यकना शुद्ध दो शुद्ध? घबराइए नहीं, मेरी हमराज है,
मेरा नंबर नोट कीजिए 6422 6। चाची आ गए, 10 मिनट बाद फोन कीजिए, मैं इंतजार करूंगी, ठीक है? अरे मैं हैरान हूँ, ये बूढ़े तोते भी बच्चे बन जाते। अब ये 10 मिनट उसके लिए 10 साल बन जाएंगे। अरे भाई मेरी तो बैटरी निकल आई है, इस उम्र में दोषिजाओं का नाच होता है शबो रोज मेरे आगे। अरे मेरी तो कमबख्ती आ गई है, मेरी तो किस्मत खुल गई है, इस बातें में लड़की मुझे चाहने लगी है, मुझसे प्यार करने लगी है। 6422 6 4 2 6 6 4 2 6 6 4 2 6 6 4 2 6 6 4। अरे क्या हो गया है, अरे मैं कहाँ चला गया हूँ? हेलो थाना ग्वाल मंडी, नंबर तो ठीक था 6422 6 6 6 4 2 6। हेलो थाना ग्वाल मंडी, ये क्या मुसीबत है, 6422 6 6 4 2 6 ठीक है। ओए की तकलीफ है तेनू? जड़ी तकलीफ मैनू है, रब करे वो तकलीफ तनी हो, तेरा भी किसी पे आए दिल, तेरा भी कोई दुख आए दिल, फिर मैं तुमसे पूछूं कि और चुप हो? हेलो, शुक्र है आप मिल गई है, मैं तो न जाने कहां कहां भटक रहा था। डार्लिंग, आपके फोन को क्या हो गया है? नंबर आपका मिलाती हूँ, क्या मिलता है थाने में? हाय हाय, किस्मत की बदनसीबी देखिए कि मेरा भी टेलीफोन थाने में आ मिला था। इसका मतलब हम दोनों की मंजिल एक है, है ना? इसको तो लगा दिया काम से। बार बार थाने फोन करने से अगर थाना चल के उसके घर आ गया तो मौसम टिकटिके पे चढ़ के कोड़े खाएंगे और लोगों के लिए इबरत बन जाएंगे। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें अपना आइडियल दिखाऊं, आज उसका मैच है। चलो लगता। बोरियत ये है कि तू खेल पे मरती है और खेल वाले को देख देख के जीती है और उसे पता ही नहीं है। ए, अपने दिल के कागज पे उसका ऑटोग्राफ क्यों नहीं लेती? हाय नसरीन, तुम भी खेल देखने आई हो? मैं तुम्हें देखने आई हूँ। मुझे क्यों, किस लिए? एक चैरिटी शो का प्रोग्राम फाइनल कर बैठी और उसमें तुम्हें हिस्सा लेना है। मुझे हिस्सा लेना है?
ना करके मैं अपने आप में ना रहूं। अच्छा मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज, कल मुलाकात होगी। बाय बाय, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ड्राइवर ही ले जाएगा। सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं,
लड़की को साइकिल के नीचे दे दिया। भाई मेरी गलती नहीं है। हाँ गलती पैदल चलने वालों की होती है। बेशरम तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है जो शरीफ लड़के से इस तरह टकराते फिरते हो। इसे थाने ले चलो। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए। हम कुछ नहीं सुनेंगे। अरे आप सब लोग बुजी को क्यों नहीं कहते? ये देखकर नहीं चल सकती अंधी है क्या? मैं अंधी तो हूँ। जिन भाइयों ने मेरे हक में आवाज उठाई उनका शुक्रिया। इनका साइकिल वापस करके आप लोग जाइए। ठोकरे तो मेरा नसीब है। सुनो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। मुझे मालूम नहीं था कि तुम देख नहीं सकते। ये तो मेरी खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती? मेरी साइकिल से टकराना? हाँ। अजीब बात। अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम देखते ही नहीं कि सड़क पर कौन खड़ा है, कुचल के चले जाते। अगर तुम पुराना मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊं। चोट लग गई तुम मुझे घर छोड़ोगे? हाँ, चोट जो लग गई। क्या तुम बॉय स्काउट हो जो अंधे बहरे को सड़क पार करने का काम करते हो? नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूँ। आओ तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ाऊं। अच्छा आओ। ये रोशनी कैसे गई? बिजली चली गई होगी। मैं उसकी नहीं तुम्हारी आंखों की बात कर रहा हूँ। क्या ये पैदाइशी ऐसी है? नहीं, लोग मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं। फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? आंखों में कशिश पैदा करने के लिए किसी ने कहा कि तुम सूरज को घूरा करो। मैं पूरे 12 घंटे तक मुसलसल सूरज को घूरती रही। 12 घंटे तक मेरे सामने सुरख सुरख धब्बे नाचने लगे। मैं डर गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। उसने वो मनहूस दवा दे दी। तो क्या उसने कोई तुम्हें गलत दवा दे दी थी? नहीं, मेरी गलती थी। पीने की दवा आंखों में लगाती रही और आंखों की दवा पी गई। सर, अरे वो सामने गटर है। सॉरी, लेकिन तुमने कैसे देखा? चेची इसने बताया। रोज जो यहां से गुजरती हूँ। रुको रुको। तुम यहाँ रहती हो? हाँ। इस कोठी में? हाँ। क्या कोठियों में जानवर रहते हैं? नहीं नहीं मेम साहब। तुमने मुझे मेम साहब क्यों कहा? है, इतनी बड़ी कोठियों में रहने वालों को तो मेम साहब ही कहा जा सकता है। मेरा नाम आशी है और मेरी माँ इस कोठी में बर्तन माँजती है। अच्छा, मैं चलता हूँ। सुनो, तुमने जो चोट लगाई है उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। ठीक, खुदा खुदा हाफिज। तुमने उसको मारना शुरू कर दिया? वो तो तुम्हें मार रहा हूँ। जानते हो कि मैं किस डायरेक्टर, किस प्रोड्यूसर, किस एक्टर के पास नहीं गया? मुझे किसी ने काम नहीं दिया। अगर एक आदमी ने मुझ पर रहम खा के मुझे 2 मिनट का काम दे ही दिया था छुरी मारने का, मैं इस पर ले आया था तो तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम जल गए, जल गए, जल गए। यार, ना तुम दिन को सोते हो ना रात को सोते हो, हमेशा मुकालमे ही बोलते रहते हो। आखिर तुम्हारे सर से कभी एक्टिंग का भूत उतरेगा? खामोश। कहने की कोशिश ना करना। मैं जानता हूं तुम ये नहीं चाहते तो मेरी चार किनार में कोठी हो। मेरी कोठी के बाहर 20-25 रक्षक खड़े हों, जिसमें से प्रोड्यूसर डायरेक्टर उतर उतर कर मुझसे डेटे मांगने के लिए आए, लेकिन आगे से कुत्ते उनको भौंके। और मैं उनसे कह दूं कि मैं देसी फिल्में साइन नहीं करता हूं। मैं तो फिल्में साइन करता हूं बैंकॉक, हांगकांग, टोक्यो वगैरह की। और तुम तो जानते हो कि मैं जिस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास गया उसने मुझे यही कहा है कि तुम्हारे ऊपर गोश्त बहुत ज्यादा है। मैंने उनको लाख कहा कि भाई मैं अपना फन बेचता हूं, गोश्त नहीं बेचता। तुम ये नहीं चाहते कि कोई फिल्म की हीरोइन मुझे आके कहे निपुआ तो जोड़ा असी बड़ के बीच तोड़िया। तुम माय गुडनेस, जब इस घर के लोग ही मेरी परफॉर्मेंस देखना नहीं चाहते तो रियाया क्या देखेगी? माय गुडनेस। Oh,
बदमाशी मेरी जिंदगी ठहरे हुए पानी की तरह थी, तुमने उसमें हलचल मचा दी है। कमाल है, डायलॉग मैं याद करते रहे, लगता है फिल्म च काम मैनू मिल गया। सुनो तुझे कहना की मेरी जिंदगी में इस तरह आई वाशी, जिस तरह तारीख बादलों में अचानक चांद निकल आता है, जिस तरह वीराने में बाहर आ जाती है, जिस तरह माँ की गोद में बच्चा आ जाता है। आशी अब ख्वाब किनू खराब कर दिया है? कौन है आशी? तेरे कार्ड दे तो मेरा ही नाम लिखे है, ये आशी कौन है? है एक लड़की। तो मैं कदों कह दिया भी एक बकरी है? और यार ये तो बताओ कि वो कैसी है, बालक है ना बालक है, सोनी है कि नहीं है, कि खुकुजी है कि काली है, या कलूटी है, या केहू जी है? इंसान के रूप में एक सपना है दोस्त। अच्छा, मगर बेचारी देवा है, अंधी है। अच्छा, तो अब तुम अंधी से मोहब्बत करोगे? क्या अर्ज, मोहब्बत खुद अंधी होती है। बिल्कुल ठीक है, अंधी अल्लाह रले देखो चुगा गले। इस घर च लाया नहीं, तुड़ा दे सारा फर्नीचर, तुड़ा दे सारी कराकरी, तू एक नहीं लाया, मैं दो तीन लंगड़ियां लूलियां लाया ना, आपे टप दिया फिर ठीक ओके हो जाएगा काम। माय गुडनेस, तौबा तौबा तौबा, इस मुल्क में टिकट हासिल करना तौबा। क्या हो गया भाई? ओह माय गुडनेस, जब मैं वहां पहुंचा हूं तो ये लंबी लाइन लगी हुई थी, सड़क तक पहुंचे हुए थे लोग, सर सर नजर आ रहे थे। मैंने देखा तो कोट उतार के एक तरफ फेंका और घाम से लाइन के अंदर। बस जी, पुलिस की सोटियां ये ठुड्डे मार कुटाई करते हुए जब खिड़की के पास पहुंचो ना तो घाम से खिड़की बंद। मैंने सोचा नहीं, ये तो बहुत गलत बात होगी, अगर अब मैं टिकट लेके नहीं गया तो तुम नाराज होगे। जैसे मैंने इधर उधर देख के एक दोस्त को पकड़ा और उसको चार पैसे ज्यादा दिए, यानी ब्लैक में टिकट लेके आया। आजकल डाकखाने पे बहुत रश होने लगा। अरे क्या पूछते, डाकखाने से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन सी टिकट लेकर आए? ये पागल है सीना जी, यार तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने तुमसे डाक की टिकट मंगाई तो तुम फिल्म की टिकट ले आए हो? यार जा तो मैं डाकखाने रहा था, लेकिन वो रास्ते में सिनेमा आ गया ना तो लाइन मैंने देखी लंबी, मैंने कहा डाकखाने की टिकट तो मिल ही जाएगी, इसकी क्यों ना ले लूं। बस उसके लिए मैंने कहा दो टिकट लेके आया, अब तुम और मैं दोनों चलेंगे इसे देखने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा फिल्म देखने। अरे क्या बात कर रहे हो यार, तुम जाओगे? दो टिकट लेके आया हूं मैंने कह जो दिया कि मैं नहीं जाऊंगा फिल्म देखने। बंद करो ये बकवास, तुम कैसे दोस्त हो? दोस्तों दोस्तों की खातिर अपनी जाने कुर्बान कर दिया करते हैं, लेकिन तुम कैसे दोस्तों को जो दोस्त के लिए थोड़ा सा वक्त भी नहीं निकाल सकते? अच्छा यार चुप हो जाओ, मैं चला जाऊंगा, बस अपने डायलॉग खुदा के लिए बंद कर प्लीज। ठीक है तुम लिख लो, मैं इतनी देर थोड़ी सी रिहर्सल कर लेता हूं। चकोरी चकोरी, तुम समझती क्यों नहीं? चकोरी कहां हो, तुमको ढूंढ रही है ये बहारे ये समा। हाँ यार, हीरो हीरोइन की मिलने का सीन बहुत अच्छा लगा। अरे रुको, क्या हुआ? हीरो हीरोइन को मिलने के लिए आ रहा है। ओह माय गॉड, सिचुएशन को जरा संभालना। हाँ, ठीक है ठीक है। माफ कीजिएगा, आपने मुझे पहचाना तो नहीं होगा? मैं वही हूँ जिसकी साइकिल साफ टकराई, याद है आपको? हाँ, यही है वो अन्ना खाता। ये मेरे मालकिन की बेटी है, जबरदस्ती मुझे साथ ले आई है। ये मुझसे बहनों जैसा प्यार करती है। ये कपड़े ना कपड़े इन्होंने मुझे दिए हैं। ये धुलवाने के लिए दिए होंगे जी। इन कपड़ों में आप बहुत अच्छी लगती हैं। शुक्रिया। ये फिल्म कैसी है? बहुत अच्छी। लेकिन आपने कैसे देखी ये? टो टो कर? नहीं नहीं, वो आवाज सुनकर। साहिर मगर ये साहब, ये मेरे दोस्त है मिस्टर दीवाना, उर्फ पागल का पुत्र। मालकन, एक बार इनकी साइकिल से टकराई थी, इन्होंने मुझे घर छोड़ा था। शुक्र करें आप मेरे साइकिल से नहीं टकराई, वरना आपको अस्पताल छोड़ना पड़ता। आदमी अच्छे मालूम होते हैं। कौन सा वाला? आप। थैंक यू। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इनसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। क्यों नहीं, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बात कर सकता हूँ। यार आप भी बहुत अच्छी हैं। आपको कैसे पता चला? आपके रवैये से,
आप भी किसी दिन मेरे रक्शे से टकराइए ना, ताकि मैं भी आपको घर छोड़ूं। मैं रिक्शे में बैठना पसंद नहीं करती। जिस चीज पे बैठना पसंद फरमाती हैं वो बता दीजिए, मैं वो लेके आ जाऊंगा। आपसे कहीं इत्मीनान से मुलाकात नहीं हो सकती? अगर आप हाँ हो सकती है, कल मैं घर पर नहीं होगी, किसी बाग में मिलेंगे। बाग में? किस बाग में? गोलबाग में। ठीक, कितने बजे? कितने बजे? 4 बजे। मैं आपका इंतजार करूंगा, आइएगा जरूर। जरूर आऊंगी। आशी देर हो रही है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे क्या हुआ? आशी चक्कर आ गया। क्यों? भूख से। तुमने खाना नहीं खाया? आज घर सफाई करते हुए मुझसे गुलदान टूट गया और मालकिन ने तुम्हारा खाना बंद कर दिया। मगर उसकी बेटी तो तुमसे बहनों जैसा सलूक करती है। वो तो अपनी अम्मी से छुपा कर सर्वर क्वार्टर में मेरे लिए खाना लाई थी, मगर मैंने उसे कहा कि खाना ले जाओ, मालकिन नहीं देख रही तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है। आओ चलो। कहाँ? मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। मगर यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ वो छोले और रोटी मिलती है। छोले? हाँ छोले। तुमने कभी खाए नहीं? क्यों नहीं, गरीब तो यही खाते हैं। तो फिर आओ, यहाँ छोले और रोटी बड़ी मजेदार मिलती है। अच्छा। आ जा। मजा आया? बहुत मजा आया। चटनी और दूं? नहीं, बहुत है। तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए? आंसू? उसी से। मजेदार छोले वही होते हैं जो कानों से धुआं और आंखों से आंसू निकाल दे। मैं पानी देता हूं तुम्हें। इतने हसी हैं नजारे तेरी आंखें जो होती जानम, तू देख सकती। वो देखो एक पेड़ पे तो कुछ कहता है, कुछ कहता है। अरे तुमने ये कैसे देख लिया? वो देखो एक पेड़ पे तोता मैंने से कुछ कहता है। तुमने ये कैसे
पथ के पीछे क्या छाया है। ये तो बताओ उस पर्वत के पीछे ये क्या छाया है। बादल का रंग कैसा है। कुछ मेरी जुल्फों जैसा है। उस बादल का रंग कैसा है। कुछ मेरी जुल्फों जैसा है। तुमने ये कैसे देख लिया। तेरे प्यारे ने रास्ता दिखलाया। देखी आंखों से देख लिया। बीमारी है इन्हें एक्टिंग की। पुतले को लेटाकर बिस्तर पे मां के मरने पर रोने की एक्टिंग हो रही है। हालांकि उन्हें मरे एक अरसा हो चुका है।
हमारे दिल से मत खेलो, ये शीशी टूट जाएगी। यार ये क्या पागलपन है भाई। इस घर की कीमत 20 सवाल। अब आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? नहीं। हाँ मैं भर गया, लेकिन क्यों? इसलिए कि आप बहुत मोटे हैं। मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये मोटा है? मुझे इनकी आवाज सुनकर। अब सुन लिया, अब भी वक्त बाद आ जाना। आवाज़ बैठ बैठ। अरे ठीक है बूट। हाँ कभी कभी फुर्सत में हम लोग खेल लेते हैं। मेरे साथ खेलोगे? तुम कैसे खेलोगी? मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ। कसम है कुरान दी अन्नी नहीं है जी। मैं अंधी हूँ। नहीं मैं नहीं माता, मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं अंधी हूँ। हाँ हाँ शी, तुम ठीक कह रही हो। भाई अनवर तुम समझते क्यों नहीं, जो लड़की फिल्म देखने जा सकती है, कैरम बोर्ड खेल सकती है और मेरे जिस्म को हाथ लगाए बगैर ये बता सकती है मैं दुबला हूँ या मोटा हूँ, वो अंधी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? अनवर तुम मेरा दिल बहलाने लाए हो, ये मेरा दिल तोड़ने मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो। किसी गरीब का दिल तोड़ते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर अपने आपको फनकार कहते हो? आशी से माफी मांगो। इनसे माफी नहीं, इनसे मैं टेटे मांगूंगा। मैं और ये मिलके एक नहायत खूबसूरत फिल्म बनाएंगे जिसका नाम होगा ब्लाइंड वुमन। हाँ हाँ खिड़की तोड़ हफ्ता। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, जा यहां से। बिल्कुल ठीक कहते हो, इस दुनिया में सच्चाई की कोई कदर नहीं, मैं यहां से चल जाऊंगा। मां मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। ओफो आशी, मैं इसकी तरफ से तुमसे मांगू। आशी। अनवर तुम? हाँ मैं। इतने दिन कहाँ रहे? किसी आंखों वालों की झील जैसे आंखों में डूब कर मुझे भूल तो नहीं गए थे? नहीं आशी ऐसी बात नहीं है। तुम मर्द हो, सौ बहाने बना लोगे, मैं एक अंधी हूँ, इन पे भरोसा करने के सिवा और कर भी क्या सकती हूँ। मैं तुम्हारी सोच का बुरा नहीं मानूंगा, जो शक ना करे वो मोहब्बत नहीं होती है। और चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने इन आंखों से रोशनी का वादा किया था ना। हाँ डॉक्टर के पास जाना है, चलो। नहीं नहीं नहीं। क्यों क्यों नहीं? फिर कभी चलेंगे। अभी क्यों नहीं? तुम समझते नहीं। देखो आशी इन आंखों की रोशनी तुम्हें नहीं मुझे चाहिए, चलो। इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। उसका मैंने इंतजाम कर लिया है। क्या तुमने मेरे लिए चोरी की है? मेरी दुनिया को रोशन करके खुद जल में जाओगे? बोलो जवाब दो। तो मुझे इतना नीच समझती हो आशी? मैंने दिन रात मेहनत की है, पैसे कमाए हैं, डॉक्टर से मिला हूँ, उनसे वक्त लिया है। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम इस किस्म की बातें करके मेरे जज्बात को मिट्टी में मिलाना चाहती हो? चलो डॉक्टर साहब इंतजार कर रहे होंगे, चलो आओ चलो। वालेकुम सलाम। क्या बैठा डॉक्टर साहब? यही हूँ जिनकी आंखें मैं आपको दिखाना चाहता था। आई सी, इनकी आंखें किस हादसे में जाया हुई हैं? बता दो आशी डॉक्टर साहब। मुझे याद नहीं। केस की हिस्ट्री जाने बगैर मैं इलाज कैसे करूंगा? जी हाँ जाहिर है, बता दो ना आशी जो तुमने मुझे बताया था। डॉक्टर साहब दरअसल ये शर्माती हैं। अरे भाई अंधापन ऐसी बीमारी तो नहीं कि इसकी हिस्ट्री बताते हुए शर्म महसूस की जाए। जी हाँ बता दो ना आशी। जी वो बचपन में पतंग लूटने छत पर गई थी और वहां से गिर गई। लेकिन तुमने तो मुझे कुछ और बताया था। नहीं नहीं ये ही तो बताया था। अफसोस इस मुल्क में हर साल कितने लोग अपाहिज होते हैं और कितनी आंखें जाया हो जाती हैं, लेकिन लोग फिर भी पतंगबाजी से बाज नहीं आते। खैर कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, चलो आओ। बैठो डॉक्टर साहब। हम दोनों अकेले हैं? जी जी अकेले हैं। कोई देख तो नहीं रहा? नहीं नहीं कोई भी नहीं देख रहा। कोई सुन तो नहीं रहा? अरे भाई कोई नहीं सुन रहा,
आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? डॉक्टर साहब वो दरवाजा है ना, दरवाजा प्लीज बंद कर दीजिए। दरवाजा बंद कर दूं? हाँ। आखिर क्यों? बंद कर दीजिए, मैं अभी बताती हूँ। अब बताओ ऐसी कौन सी बात है? डॉक्टर साहब मैं देख सकती हूँ। डॉक्टर साहब क्या हुआ? तुम देख सकती हो? हाँ? क्या जबरदस्त एक्टिंग की है तुमने, मैं तो समझा था तुम वाकई अंधी हो, मगर ये सब क्या है? डॉक्टर साहब वो मेरा शौहर है, गंदी गंदी औरतों से मिलने जाता है, उसके ये करतूत पकड़ने के लिए मैं अंधी बनी हुई हूँ। कोई बात नहीं हम उसे ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब अगर आपकी मेरी जैसी बेटी हो और आपका दामाद उससे फौज करे तो आप क्या करेंगे? मैं उसको सर पे बिठाऊंगा, माओ इस उल्लू को पट्टे की टांगे तोड़ दूंगा, और क्या करूंगा? वो जो पत्थर खड़ा है ना उसकी टांगे ना तोड़े, उससे कह दे कि इस मौसम में इलाज नहीं हो सकता। अगर कुछ और पूछे हाँ उसे डांट दे। बहुत प्यार करती हूँ उससे, चलो उससे चल के पूछते हैं। आओ। मायना हो गया डॉक्टर? हो गया मायना। ऑपरेशन कब होगा डॉक्टर? जब मौसम बदलेगा। जी ये मौसम कब बदलेगा? जब जुनाब अपना चाल चलन बदलेंगे, समझे? आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरे चाल चलन को क्या हुआ? ये मुझसे पूछ रहे हो? अपने गरेबान में झांक कर देखो, ले जाओ उसे घर, बड़े आए इलाज कराने वाले। आप इतना नाराज क्यों हो रहे? मैं कहता हूँ चले जाओ वरना मुझसे कुछ और सुनोगे। सुनाइए क्या सुनाना चाहते हैं? छोड़ो डॉक्टर साहब का मूड आज ठीक नहीं है, फिर कभी आ जाएंगे। हाँ लेकिन थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अभी मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं कहता हूँ तशरीफ ले जाइए प्लीज। शुक्रिया बहुत। कोई बात नहीं। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। ये डॉक्टर है या सारा पागल है? हाँ, मुझे भी पागल ही लगता है। और चलो पापा। आज बाप से मोहब्बत जिताने में एटिकेट्स को मत भूलो। सॉरी पापा, आपको बहुत दिन बाद देखा ना, इसलिए जज्बात पर काबू ना रख सकी। जो लोग जज्बात पर काबू ना रख सके वो जिंदगी में ठोकर खाते हैं। लेकिन पापा जज्बात ही किसी आदमी को इंसान बनाते हैं। ऐसे ख्यालात उन अदीबों की फुटपाथों पे बिकने वाली किताबों में मिलते हैं जो जिंदा रहे तो रोटी के एक टुकड़े को तरसे और मर गए तो चंदे के कफन में लपेट के दफन किए गए। गैस मैनेजर, जहां जहां से फॉरेन करेंसी मिलती है माल वहां भेज दो, मुल्क के अंदर सेल रोक दो। ओ, मुझे बिजनेस सिखाने की कोशिश मत करो। दो दिन के बाद बजट का ऐलान होने वाला है, उसके बाद दाम कहां जाएंगे ये मैं जानता हूं। पापा आप खाना नहीं खाएंगे? तुम खा लो और मेरी दवाओं के रैक से नौकर के हाथ विटामिन की कैप्सूल और नींद की दो गोलियां भेज दो। इतनी दौलत से क्या फायदा जिसे कमा के आप एक गंदम की रोटी नहीं खा सकते। जीने के लिए आपको विटामिन और सोने के लिए नींद की गोलियां का सहारा लेना पड़ता है। तुम मुझसे खाने का पूछने आई थी या मेरी जिंदगी पे तबसरा करने? सॉरी पापा। और सुनो, कल से तुम मेरे बिजनेस के हर मामले में शरीक रहोगी ताकि मेरी आंखें बंद होने के बाद तुम पे जिम्मेदारियों का बोझ पड़े तो घबरा ना जाओ। ओके
तो इल्जाम मेरी बेटी पे आ जाता। हटो सामने से। क्यों रहे भाई? जब मैंने कहा था कि वो अंधी नहीं है तो याद है तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? तुमने कहा था बकवास ना कराया नहीं दिया। वो आंखों वाली होके तुम्हें अंधा बनाती रही और तुम बगैर सोचे समझे उल्लू का पट्टे बनते रहे। लेकिन जब मेरे दिल में कोई खोट नहीं है तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? मैनू पूछ रहे? अगर मुझसे पूछना है तो ये पूछो कि आज कौन सी फिल्म लगी है, कैसी गई है, कौन से थिएटर में लगी है, किसकी हिट हुई, किसकी बैन हुई, घर में पका क्या है, चाय तैयार है या नहीं, चाय वैसे तैयार है। लाओ ले आ। एक मिनट। मुंह क्यों फेर लिया? सदमा इस बात का हुआ कि मैं अंधी नहीं हूं, देख सकती हूं। काश के तुम सचमुच अंधी होती। मेरी मोहब्बत तो रहती। मैं कल भी तुम्हारी मोहब्बत थी और आज भी तुम्हारी मोहब्बत हूं। तुम एक दौलतमंद बाप की बेटी और मैं एक मामूली सा आदमी। दौलतमंद बाप की बेटी क्या मोहब्बत नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन चंद लम्हों के लिए। रोमांस, चाहत, मोहब्बत उनकी जिंदगी में खुशबू की तरह आती है और चंद लम्हे महक कर हमेशा के लिए उड़ जाती है। मेरी जरा सी दिल लगी को इतना संगीन न बनाओ कि मैं अपनी नजरों से गिर जाऊं। मैं तो इस दुनिया में सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूं। बोलो, मुझे वापस लौटाओगे या मुझे अपने गले लगा लोगे? हया करो, तुम तो कोड़िया का भी डर नहीं। हूं तो नहीं चाह चाहिए। क्या बदतमीजी है?
जिंदगी का एक एक पल एक एक लाख रुपए का है, इसे किसी बेटी के इंतजार में जाया नहीं किया जा सकता। अगर उसे कहीं जाना था तो मुझे बता के जाना चाहिए था। सर, बेटी आ गया। आशी, तैयार होने में सिर्फ 5 मिनट लो। कहाँ जाना है? पार्टी में। पापा, मैं पार्टी में चली तो जाती हूँ, मगर मुझे वहाँ बोरियत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बोरियत तुम्हें सिर्फ इसलिए होती है कि मैं जिंदगी के जिन रास्तों पे तुम्हें चलाना चाहता हूँ उनसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसी बात नहीं है पापा, इस वक्त मेरे सर में दर्द है। कुछ गोली खा लो, जल्दी करो। अभी तक तैयार होकर नहीं आई? नो सर। इतनी काहिल होकर इस दौर की तेज रफ्तारी का साथ किस तरह देगी? आशिक, आशिक, ओ अभी तक बेड पर पड़ी हुई हो। आशी, आशी, है? क्या हुआ तुम्हें? नींद आ रही है। नींद आ रही है? गोली कौन सी खाई तुमने? सर दर्द की गोली तो खाई थी, मगर गलती से नींद की गोली खा ली। ओह माय गॉडनेस, तुम क्या करोगी जिंदगी में? इतनी बड़ी होकर तुम्हें नींद की गोली और सर दर्द की गोली में तमीज नहीं है। ओह ओके ओके, सो जाओ, मैं अकेला ही पार्टी में चला जाता हूँ। दीवाने, यार ये कीमा लाया, उसे पका दे। ये अपना कीमा ले जा और कीमे वासे जाके पकवा ले। मगर तुम ये सामान वामान बांध के कहाँ जा रहे हो? हाँ, बस बड़ी हो गई है, बड़ा चर बोल लिया उर्दू है, इधर मुंह विंगा चिपा करके हूं तो चिप पैगर नहीं बोले जाना। मगर तुम जा कहाँ रहे हो और वहाँ कौन सी जबान बोलने का इरादा है? भाई दोहा कतर दुबई जा रहा हूँ और वहाँ जुबान बोलूंगा अल लिसानुल अरबी। मगर वहाँ करोगे क्या? तुम्हें तो पता है यहाँ फिल्मों में लगा बहुत मंदा हो गया। यार तुम्हें पहले यहाँ फिल्मों में कौन सा काम मिलता? तो इसीलिए तो जा रहा हूँ, आजकल ड्रामों का जोर है, वो एक्टर नहीं है कभी, वो एक टीम लेके जा रहा है एक्टरों की साथ, तो मैं भी उसके साथ हूँ। उसने कहा ठीक है अगर कोई एक्टर वैक्टर बीमार हो गया तो तुम काम कर लेगा। मैंने कहा ठीक है ओके, जा रहा हूँ। दो बाकी जा रहे हो? अरे हाँ यार, फ्यूचर का मामला है। अच्छा, अगर तुम्हारी भलाई इसी में है तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। थैंक यू यार। वहां जाकर कभी कभार कोई खत पत लिख दिया कर। अरे खत तो मैं तुम्हें देखूं यार, खत तो तुम्हें लिख दूं, वो खत के लिए पैसे तो दे दे फिर। वहां जाकर जो खत लिखोगे उसके पैसे मैं अभी और यहाँ तुम्हें दूं? हाँ हाँ, क्योंकि वो तो मुझे रोटी कपड़े पे लेके जा रहा है ना, पैसे नहीं देगा। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जो पैसे मेरे पास थे मैं उसका कीमा ले आया। चल फिर ठीक है, मैं कीमा खा के चला जाऊंगा। ठीक है फिर, पकाओ इसे। हाँ ठीक है, चल तुम ये बिस्तर बांध। मेरा बासन, इसमें से कुछ चीज नहीं निकाल लेना। अनवर, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हारे भरोसे के साथ साथ एक मरहला और है आशी। वो क्या? तुम्हारे डैडी की इजाजत। तुम फिक्र न करो, आज मैं डैडी से बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि मैं डैडी को मना लूंगी। बोलो। पापा, बात यह है कि मैं हेलो, यस स्पीकिंग, ओ आप जी आ गए आप हांगकांग से? जी जी, घर आ जाइए, किराए तय कर लेते हैं, दोनों को सूट किया तो कल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। ओके बाय बाय। देखो बेटी, मेरे पास एक साहब आ रहे हैं, उनसे बिजनेस करना है, पहले उनसे निमट लूं फिर तुम्हारी भी सुन लेता हूँ। उस वक्त तक तुम अपने कमरे में आराम करो प्लीज। अब
साहब घर पे हैं? जी हाँ, आइए, आपका इंतजार ही कर रहे हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। अरे अरे, यहाँ नहीं, वहां तशरीफ रखिए। बड़ा इंतजार था आपका। गर्मी है ठंडा? जी जैसे आपकी मर्जी। शाकिर, जल्दी से अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। बैठे बैठे जी। तो आज ही हांगकांग से आना हुआ जी? अरे साहब, खतों किताबें तो काफी दिनों से थी, आज आपकी सूरत भी देख ली जी। हाँ, आपके यहाँ अच्छे कालीनों की मांग है, ये मैं जानता हूँ। इससे पहले भी दो एक पार्टियों ने बात की, लेकिन जब मुझे पता चला कि कारोबार में अच्छे नहीं है, तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। वो आपको गलत फहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। क्या मतलब जी? आशी ने आप? आशी कौन है तुम? जी, मैं, मेरा नाम अनवर है, मैं पढ़ता हूँ। और क्या करते हो? और बस थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल लेता हूँ। मेरे ऑफिस चले जाओ, मैनेजर से मेरा नाम लेना, तुम्हारी कुछ मदद हो जाएगी। जी, मुझे मदद नहीं चाहिए। फिर आशी ने आपसे बात तो की होगी? कैसी बात? जी, वो हम शादी करना चाहते हैं। और तुम्हारे वालिद क्या कारोबार करते हैं? जी, मेरे माँ बाप जिंदा नहीं है और ना ही मेरा कोई कारोबार है। गरीब हो, पढ़ते हो, फीस यकीनन माफ होगी। ढांपने के लिए करते होगे लंडे बाजार कराओ, और शादी करना चाहते हो एक सेठ की बेटी से। तुम्हें ये सुनहरी मशवरा किसने दिया? जी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें वो अंडरस्टैंडिंग है जो शादी के लिए बहुत जरूरी होती है। मेरी बेटी के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये तुम मुझे समझाओगे? एक सेठ ने तुम्हें मुंह लगाया, तुमसे इतनी देर बात की, तुम्हारे जिंदगी भर इतराने के लिए यही काफी है। मेरे खुलूस को इस तरह अपनी नजरों से ना गिराइए सेठ साहब। क्या सर में बिठाऊं? मैं पूछता हूं, तुम्हारी वो गुर्बत जो कल तुम्हें जगह जगह हाथ फैलाने पर मजबूर करेगी, उसे दूर करने की बजाय तुम यहां कैसे चले आए? और इस घर में कदम रखने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि वो चीथड़ा जिससे पांव के जूते साफ किए जाते हैं, उसे आंखों से लगाने की हिमाकत पागल करते हैं? ऐसे गेट आउट, गेट आउट। रोकिए प्लीज। आशी, तुमने एक मामूली छोकरे को ये जरूरत कैसे दी कि वो तुम्हारा नाम और हमारी इज्जत क्रिकेट के बैट में रखे, सारे शहर में उछलता फिरे? मैं उसे पसंद करती हूँ। क्या देखा है तुमने उसमें? उसकी इंसानियत पापा। अगर खुद तुम्हें इसकी तमीज नहीं थी तो उसे परखने के लिए अपने बाप से आंखें मांग लेती, ताकि तुम्हें इसका एहसास होता कि जिंदगी गुजारने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज इंसानियत नहीं पैसा है। पैसा पैसा पैसा! मैंने जब से होश संभाला है इस घर में सिर्फ पैसे का नाम सुना है, लेकिन मुझे इससे नफरत है। इसलिए कि पैदा होते ही तुम्हारी हर जरूरत पूरी हुई, पैसा तुम्हें मांगना नहीं पड़ा। इसकी कद्र उन लोगों से पूछो जो फुटपाथों पर फाके करते हैं, सर्दियों में छिड़क कर मर जाते हैं, मगर वहाँ वो सुकून होता है जो संग मरमर एयर कंडीशन बंगलों में नींद की गोलियां खाकर सोने वालों के नसीब में नहीं होता। शट अप! अंदर जाओ, अपनी नादानी और मेरी बातों पर गौर करो, और जब मेरी बातों की सच्चाई का इतराफ कर लो तो वापस आकर अपनी इस गुस्ताखी की मुझसे माफी मांगना। मैं कहता हूं अंदर जाओ। आशी को खाने का कहा तुमने? यस सर। आई क्यों नहीं? बोलता है भूख नहीं है। आई सी। हेलो, कौन? नहीं जी। हाँ, नहीं, आपके दोस्त अख्तर मिर्जा का बेटा अंकल। अरे, कब आए जर्मन से? दो दिन हुए अंकल। और फोन आज कर रहे हो? कुछ काम था। Yeah, it's all right. पर अंकल, आपने डेरी से क्यों वादा किया था वो आपको याद है? उन्हें फोन कर दो, वो यहाँ आ जाएं।
मुझे अपना वादा भी याद है और उसे पूरा करने का वक्त भी आ गया है। थैंक यू अंकल, थैंक यू। वो आशी कैसी है? ठीक है, तुम शाम को घर आओ, फिर बातें होंगी। बाय। किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए तन्हाई बहुत जरूरी होती है। मेरा ख्याल है इतनी देर सोचने के बाद मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। जी नहीं। इसका मतलब है तुम उस लड़के को नहीं छोड़ सकती? जी नहीं। तुम एक भिखारी को अपना शौहर बना के इस घर में ले आओ, ये मेरी तौहीन है। नहीं पापा, ये महज आपका एहसास है। अपनी मनमानी की बजाय सामने वाला शख्स हर काम मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक करे, ये मेरी बिजनेस और जिंदगी का उसूल है। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी बिजनेस का आइटम नहीं, जिसे आपकी मर्जी के मुताबिक नीलाम कर दिया जाए। मैं इस वक्त तुमसे बहस करने नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मैंने तुम्हारी शादी अपने एक दोस्त के लड़के से तय कर दी है। वो अगर घर आए तो उसे अजनबियत का एहसास न होने देना, ये मेरा हुक्म है। तुमने एक मामूली छोकरे को इज्जत कैसे दी कि वो तुम्हारा नाम और हमारी इज्जत क्रिकेट के बैग में रखे सारे शहर में उछालता फिरे। तुम एक दौलतमंद बाप की बेटी, मैं एक मामूली सा आदमी। आशी, तुम और यहाँ? तुमसे ये कहने के लिए आई हूँ कि मुझसे जल्दी शादी कर लो। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ अनवर, कोई बारात लेकर मेरे बाप के घर पहुँच जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में अपना नहीं सकता। इसलिए कि मैं घर छोड़कर आई हूँ? इसलिए कि यह रास्ता सच्चाई का रास्ता नहीं है। तो क्या सच्चाई का रास्ता वही है जिस पर चलने वालों की नजर में दिल की कोई कीमत नहीं? मैं लड़की होकर समाज से बगावत करना चाहती हूँ और तुम मर्द होकर मेरी आवाज में आवाज भी शामिल नहीं कर सकते। देखो अनवर, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मुझमें वापस जाने की हिम्मत नहीं। मुझे मुझे थाम लो अनवर, थाम लो प्लीज। अब न टूटेगा कभी अपनी वफा।
ज्यादा चोटें नहीं आई, शॉक की वजह से बेहोश हो गई है। अलबत्ता इन्हें ज्यादा चोटें आई, इन्हें ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा। डॉक्टर, ये दोनों अगर मर जाते शायद मेरे लिए खुशी का लम्हा होता। हम जैसे लोग डॉक्टरों को हमराज बनाए बगैर बहुत सी बातें दुनिया से नहीं छुपा सकते। ये लड़का मेरी बेटी को गुमराह करके घर से ले आया, ये बात मैं हर कीमत पर दुनिया से छुपाना चाहता हूं। डॉक्टर सुनो, इस लड़के को फौरन किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दो ताकि वो ये ना जान सके कि मेरी बेटी कहाँ है। होश आने के बाद बेटी को क्या जवाब दिया जाएगा ये मुझ पर छोड़ दो। बहुत बेहतर। मौत, मौत हम दोनों को चुका नहीं कर सकती। अनवर, तुम मेरे पास हो ना, जवाब दो, जवाब। मैं
आपके साये में कैसे आ गई? हम दोनों साथ थे। बोलिए, एक शर्मादार ने मेरी मोहब्बत को अपने रास्ते से हटा कर कहाँ फेंक दिया? मैं पूछती हूँ, अनवर कहाँ है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, बोलिए, बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? बेटी ने मोहब्बत को पाने की जिद में बाप का घर छोड़ा और उसका साथी उसे छोड़कर दुनिया से चला गया। मुझे इल्जाम न देना बेटी, तुम्हारे दिल का करार किस्मत ने छीन लिया। अनवर मर गया है बेटी। नहीं, अनवर नहीं मर सकता। ये झूठा है, ये झूठा है। आशी, आशी, तुम्हारी शादी के कार्ड सबके आ गए हैं। जो नाम मुझे याद थे उन्हें मैंने भेज दिया है। तुम किसी को भेजोगी? मेरा दुनिया में कौन है? हेलो भाई साहब, भेजिए, आपका कार्ड आया। शुक्रिया डॉक्टर साहब। कहूं जाने मन कहूं या हो, घबराहट में भूल ही गया था। हम लोगों में घूंघट उठाने से पहले तुरंत कुछ देने का रिवाज है। तोहफा कबूल कीजिए। तुमने मेरे इंतखाब की दाद नहीं दी। मैं आपकी बीवी हूं। इनकार इसे भी नहीं कर सकती हो कि मोहब्बत किसी और से करती हो। बाप का घर छोड़ने के बाद इन कदमों में मेरी जन्नत है। गुड, अपनी जन्नत तलाश करके तुमने मेरे एहसास को जहन्नुम की आग में जला दिया है। तुम्हारे बाप ने दौलत का कफन डाल के इस बासी फूल को मेरे सिर में सजा दिया। यकीन कीजिए, मैं बेदाग हूं। तेरे दावे का यकीन,
तेरा आशिक कर सकता है, मैं नहीं। नाराज हो चांदनी? चांदनी, मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं हूं, तुम्हारे सिवा किसी और का नहीं। जी हाँ, मेरे सामने मेरे और बीवी के रूबरू उसके। ओ, तो शादी की खबर पहुंच गई। तो क्या ये जुर्म आपने छुप के किया था? ये बात नहीं चांदनी, ये शादी मजबूरी के तहत हुई। जवानी तुम्हारे हुस्न पे लुटाने के लिए दौलत की जरूरत थी। अब एक करोड़पति जरूरतमंद फंसा और मैंने सेहरे बांध के।
मेरे नसीब जाग रहे थे, मैं कैसे सो जाती? ये क्यों नहीं कहती? जागते वो लोग हैं जिनके नसीब तुम्हारी तरह सो जाए। इतनी देर कहाँ लगाती? अब बताना जरूरी है? मुझसे छुपाने जरूरी है तो सवाल करने की माजरत चाहती हूँ। नहीं 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 नहीं, माजरत की कोई बात नहीं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो झूठ बोलूं। गाना सुनने गया था कोठे पर। शेख साहब, ये मकान की चाबी और एक किराया। अंदर जो कुछ सामान पड़ा है वो रख लीजिएगा या किसी को दे दीजिएगा। क्यों, आप बाहर जा रहे हैं कहीं? जी हाँ शेख साहब, मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। वालेकुम सलाम। आज तेरी माँ काम पर नहीं आई? नहीं, उनको बुखार था इसलिए मैं काम पे आ गई। काम से फारिग होकर मैं तुझे पैसे दूंगी, माँ के लिए दवा ले जाना। अभी साहब को चाय दिया। साहब जी चाय। यार एक बात सुनो। जी यहाँ बैठ जाओ। जी मैं? हाँ हाँ यहाँ बैठ जाओ। नहीं थोड़ी देर से भी आ सकती थी। किसी मर्द को तो ऐसा मौका बाजारी औरत भी नहीं देती। मैं आपकी बीवी हूँ। चलो बात खत्म। बात खत्म नहीं होगी तो फिर बढ़ा लो। आइंदा ऐसी गिरी हुई हरकत ना करने का वादा करना होगा। बात खूब। एक चोर भी दूसरे को चोरी से मना करने के लक्ष्य देने लगा। मुझसे वादा लेने के बजाय अपनी माजी पर नजर डालो। इस घर में आने से पहले तुम बस चले जाओ यहां से। चाय बना दो। नहीं तुम बैठ जाओ। अर्जी मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। ये किसने कहा आपसे? आपको देखकर तो मैं जी उठती हूँ। जब सोचता हूँ हमेशा मैंने तुमसे कुछ लिया ही है, तुम्हें कुछ दिया नहीं, तो अपनी नजरों में खुद ही कर जाता हूँ। मेरे पास अपना क्या है? जो कुछ है वो आप ही का तो है। आशी जी मुझे कुछ रुपए चाहिए। क्या हुआ? सारे जेवर बिक चुका, ये मकान आप गिरवी रख चुके। आशी जो जा चुका मैंने उसकी तफसील नहीं पूछी। तुम्हारे पास कुछ नहीं तो अपने बाप से जाके ले आओ। मुझे 2 लाख की सख्त जरूरत है। लोगों की जुबानी सुनती हूँ, मेरे कदम निकलते ही उस घर में कुछ भी नहीं रहा। हिस्सेदारों ने मुकदमे कर दिए, जो सौदा किया
उसमें नुकसान हुआ, जायदाद बिकने से जो मिला कुछ कर्ज खा ले गए, कुछ मुकदमा नजर हो गया। इसके बावजूद हर सरमायेदार के पास कुछ ऐसी रकम हो जो वो अपनी औलाद से छुपा के रखता है, उसमें से मांग लो। मैं वहां नहीं जा सकती। ये मेरी इज्जत का सवाल है। मैं मजबूर हूँ। तुम वहां नहीं जाओगी? नहीं जाओगी? हो गई सरकार, रात आपने खाना भी नहीं खाया। सुबह हो गई, जिंदगी की एक रात और कट गई। मरी से आलिया बीबी का टेलीफोन आया था, वो पहुंचने वाली होंगी सरकार। देखा तुम जाओ। पापा से ज्यादा दूर ना रहा करो बेटी, हम तना रह जाते हैं। सेम टू मी पापा। मरी में वक्त कैसे गुजरा? शायद हम सहेलियों के साथ घूमते, शाम को कभी मैं वापस आकर आपको याद करते और फिर नींद आ जाती थी। आप कैसे रहे? बहुत अच्छा। दिन में सिगार कितने भी? एक भी नहीं। यानी एक छोड़ के बाकी सब? नहीं, एक भी नहीं। मीठा बिटिया, वो तो मैंने राशन कार्ड पर से चीनी का कोटा ही खत्म करवा दिया। न घर में चीनी आएगी, न साहब मीठा देखेंगे, न राल टपकेगी। अब मैं घर आ गई, देख लूंगी आप दोनों की मिली भगत। स्वीट नू नमकीन पापा। बिटिया से जो बात की है उस पे कायम रहिएगा सरकार। कोशिश करूंगा शाकिर बाबा।
जल्दी सोना पापा, दवाई पी थी। उठिए पहले दवाई पी के सोइए। उठिए, कंबल सो रही है ना। आप मुझसे डरते हैं, इसके नुकसान से नहीं डरते। बहुत कोशिश की बेटी, लेकिन इसकी ख्वाहिश पे काबू ना पा सका। पापा, सिगार में पीने की पाबंदी आप पे डॉक्टर ने लगाई है, मैंने नहीं लगाई। ये जिंदगी को घटाता बढ़ाता नहीं, आप क्यों अपनी जिंदगी घटाना चाहते हैं? आपको मेरा भी कोई ख्याल नहीं। कर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया पापा, तो मेरा इस दुनिया में और कौन है? बस 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 बस, मेरे दिल में सिगार की सुलगती ख्वाहिश को बुझाने के लिए तुम्हारे आंसू ही काफी। आईना नहीं पियूंगा, ठीक है? अगर आइंदा कभी पिया तो तुम मुझे पापा मत कहना। तेरे पापा न कहने से सिर्फ एक बंधन ही टूटेगा ना, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क कैसे नहीं पड़ेगा पगली, एक बंधन टूट जाए। लड़की मेरे हांडे वापस देती जाओ, इतने दिन लगा दिए। खुरम तुम? Thank you.
शोरूम के मालिक से। पापा तो घर पे नहीं है। तो मनवर की बेटी हो? आप ही क्यों पूछ रहे हैं? जाओ पूछा जाए उसका जवाब दो। जी। गुड। कहाँ छुपाया उसको? पापा ऑफिस गए। क्या करता है आजकल? बिजनेस। बिजनेस। साल में एक आध चक्कर बाहर का लगा लेता है। जी, you mean smuggling? Yes, of course. मेरा बाप ऐसा नहीं है। तो और क्या मेरा बाप ऐसा है? I don't know. You should know. मैं उसे उस वक्त से जानता हूँ, जब वो चिले में था, वो बहुत गरीब हुआ करता था। कोई गरीब आदमी ईमानदारी से अमीर नहीं हो सकता। आप मेरे पापा पे इल्जाम लगा रहे हैं। अगर उस पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा तो उसे गिरफ्तार कैसे करूंगा? आप उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं? तो और क्या, मैं उसे प्यार देने आया हूं? इतनी जुएं रखी हुई हैं ताकि प्यार देते हुए चकबट लें। घर में कोई नौकर है? जी। उसे पूछो कि क्या पका है। सीरी पाए पके। ठीक है, उसको बोलो कि सीरी की आंखें निकाल के साला ले आए। आंखें इसलिए निकलवा रहा हूं ताकि बकरी ये ना पहचान सके कि कौन पुलिस अफसर खा रहा है। तो मनवर को क्या कहती हो? पापा। पीपा को टेलीफोन करो तो वो जल्दी आए। पापा, आप यहाँ से भाग जाइए, आपको पकड़ने आए। क्या कह रही हो? कहते हैं आप स्मगलिंग करते हैं। मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की तुम्हें जरूरत कैसे हुई? ये तो तुम्हारे घर की एक मामूली सी छत है। मैं टाउन हॉल की छत पे खड़ा होकर ये कह सकता हूं कि तुम स्मगलर हो। यू आर ए स्मगलर। पापा मत। तुम भी ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। अस्सलाम वालेकुम। दीवाने। हेलो हेलो। अरे अरे अरे, लेकिन तुम तो बरसों पहले घर से एक्टर बनने के लिए निकले थे, ये पुलिस की वर्दी। कुछ ना पूछो यार, वहां से धक्के खाने के बाद जब वापस आ रहा था तो ट्रेन में मैंने देखा कि एक थानेदार वर्दी उतार के सो रहा है। मेरे कपड़े कुछ खराब थे, मैंने उसकी वर्दी पहनी और वहां से भाग आया। अब तक वो थानेदार जाना मुअत्तल हो गया होगा। देखा लिया बेटी, ये नमूना जो है ना, ये तुम्हारा चाचा है और मेरे बचपन का यार। बेटी है मेरी। आदाब। जीती रहो बेटी, जीती रहो। भाई तुम बाप बेटी एक बात माइंड ना करना, वो बात बड़ी कमीनी सी बात है लेकिन बिल्कुल सीधी सी बात है। क्या बात है? मैं अब यही रहूंगा। तो वही रहो, कौन मना कर रहा है तुम्हें? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन अंकल, एक शर्त होगी यहाँ रहने की। अरे बेटे, मैं समझता हूँ, पूरी दुनिया घूम के आया हूँ। खाना पीना मेरा अपना, मंजी बिस्तर आपका। जी नहीं, ये सब हमारा। ये भी तुम्हारा?
तो ठीक है, मैं फिर झाड़ू लगा दिया करूंगा। नहीं अंकल, ये बात नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर पापा सिगार पीना चाहे तो उन्हें रोक दे, अगर ये मीठा खाना चाहे ना तो उन्हें फौरन मना कर दे। बिल्कुल ठीक है बेटे, सिगार को हाथ लगाएगा तो सोटी मारूंगा, और इसके मुंह में मीठा तो क्या नमकीन चीज नहीं जाने दूंगा। आखिर ये मैंने वर्दी किस लिए पहनी है क्यों भाई? अच्छा जाओ अपने चाचा के लिए कोई चाय बना के। ना ना चाय पाए, ना ना सिरी पाए। सिरी पाए? अच्छा भाई मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, सिरी पाए पके हुए हैं। अच्छा और सुनो, इतने दिन कहाँ रहे, क्या किया तुमने? ओ यार मैंने तो कुछ नहीं किया। तुम बताओ भाभी कहाँ? कौन सी भाभी? शादी किसने की है? क्यों बना रहे हो यार, अगर शादी नहीं की है तो ये बच्ची क्या ऊपर से? बहुत दिन पहले मेरे अकेलेपन की तरह ही भी अकेली थी, लावारिस बच्ची थी है, मैंने बाप बनकर पाला इसे, यही मेरी जिंदगी का सहारा है, इसी के लिए जिंदा हूं मैं। लेकिन वो तुम्हारी अंधी मोहब्बत? उसने शादी कर ली थी, अब वो मोहब्बत अंधेरों में डूब चुकी है दोस्त। वेरी सॉरी। हेलो पापा। क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई पापा? तुम्हारी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख रहा था, तो मैं देखो क्या पोजीशन हासिल की है तुमने? थर्ड डिव। थर्ड डिव, जिनके पास स्टेटस, हैसियत, मर्तबा, पोजीशन ना हो उनके साथ ये दुनिया क्या सलूक करती है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं बेटी। जिंदगी के हर शोबे में तुम फर्स्ट पोजीशन हासिल करो, ये मेरी ख्वाहिश है। कल से तुम्हें यहाँ एक प्रोफेसर पढ़ाने आया करेंगे। जी, मेरी थर्ड डिवाई है। थर्ड डिवाई है? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? नहीं, कसूर तो मेरा ही है, लेकिन देखो ना पापा कह रहे हैं कि कल से प्रोफेसर मुझे घर में पढ़ाने आया करेंगे। प्रोफेसर तुम्हें घर पे पढ़ाने आया करेंगे? हाँ। क्या उम्र है प्रोफेसर की? मैंने नहीं देखा, जवान भी हो सकता है। नहीं, तुम किसी और की नजरों के सामने बैठो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा जी, फिर क्या कर लोगे तुम? मैं क्या कर लूंगा, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोफेसर जाकिर हुसैन जिन्हें हमने बुलाया था वो आपके भाई है? भाई क्या, वो तो बाप के बराबर थे। कल रात ही बाप आ गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मरने से पहले 5 मिनट पहले उन्होंने मुझे बुलाया और आपकी साहबजादी को पढ़ाने की वसीयत की, और उसके बाद उसके बाद की बात है भाई, मर गए। मैं आलिया बुलाता हूँ। आलिया, आलिया। जी पापा। देखो ये तुम्हारे प्रोफेसर हैं। ये आपकी साहबजादी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची हैं। खुदा ने खुश शुक्रन रखे। बेबी, हम तुम्हें कल से पढ़ाने आ जाएंगे। मगर प्रोफेसर साहब अभी आपका सदमा ताजा है, चंद दिनों बाद सही। जी हाँ, बहुत बहुत सदमा। तो फिर ऐसा कर ले कि परसों कुल करा के मैं ड्यूटी पर हाजिर हो जाऊं। जैसे आपकी मर्जी। जी बेहतर। क्यों आया ना खेल का मजा? पापा भी तुम्हारे चक्कर में आ गए, लेकिन मेरे अंकल जो शहर है ना, वो एक्टिंग के शौक में घाट घाट का पानी पी चुके। अरे आने दो तुम्हारे अंकल को भी, उनको भी पानी पानी कर देंगे। जान तुम बीआरबी नहर के बेटे? आप कौन है? सुअर, मुझे नहीं पहचानते? अच्छा 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 अच्छा, मैंने आपको पहचान लिया। हाँ, मैंने पहचान लिया आपको। आप आज से 12 साल पहले मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते थे? जी। ये तो मेरे प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर आप हो गए होंगे, पहले तो यही काम करते थे। आपको एक्टर बनने का शौक है? आपको कैसे पता चला? आपके चेहरे पर लिखा हुआ। ये मेरा चेहरा है, ये जग्गा गुज्जर का पोस्टर है। अगर ये लिखा हुआ है तो इसकी किसी नुक्कड़ में ये भी लिखा होगा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ या नहीं, जरा चेक कीजिए। ये मोचने के बगैर आप क्या कर रहे हैं?
ये क्या चेक कर रहे हैं आप, मेरी दांत निकालना चाहते? देखिए अगर शरीफों की औलाद बदमाश बन सकती बजा, अगर ईमानदार लोग स्मगलर बन सकते तो आप एक्टर क्यों नहीं बन सकते? मैं एक्टर बन सकता हूँ मगर कैसे कैसे? मेरे एक इशारे से। आपके इशारे से? सामरी जादूगर आपके पापा है? तो बना दो एक्टर, बना दो। सोच लो। सोच लिया, सोच लिया। तो ठीक है फिर, तुम भी क्या याद करोगे? जरा पेन। ये लो। ये क्या है? वजीफा। दरिया में 40 दिन तक एक टांग पर खड़े होकर ये वजीफा पढ़ो। प्रोफेसर साहब, मैंने एक्टर बनना है, कुकड़ तो नहीं बनना है। ओहो, मेरी बात सुनो, 40 दिन के बाद तुम्हारे पीछे फिल्म साजों की लाइन होगी। ये ना होगा कहीं मेरे पीछे पुलिस लाइन लगी हो। ओहो नहीं, उसके बाद कोई फिल्म साज तुम्हें इधर खींचेगा, कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, उधर, कोई इधर, इतना खींचने से मैं कहीं पार्टी ना जाऊं। अरे नहीं, उसके बाद हर सिनेमा हॉल पे तुम्हारी फिल्म होगी, मेरी फिल्म, तुम्हारे पोस्टर हर जगह पे होंगे, पोस्टर हर जगह पे होंगे। मैं इतना बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। हां, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब। भाई बेचारे अंकल की खबर तो लो। भाई आज वजीफे का आखिरी दिन है, खुद ही आ जाएंगे। वजीफा पूरा हो गया है और मैं आ गया। ये क्या हुआ? ये मैं कोठा लिप के नहीं आया। तुमने ठीक कहा था प्रोफेसर कि कोई मुझे इधर से खींचेगा, कोई मुझे इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा, कोई इधर से खींचेगा। तो इसका मतलब है कि वजीफा कामयाब रहा, लग गई ना फिल्म साजों की लाइन। और मुझे फिल्म साजों ने नहीं खींचा, मुझे कुत्तों ने खींचा है। कुत्ते तो आज मेरे साथ फुटबॉल खेलते रहे, लेकिन कोई कुत्ता इधर से खींच रहा था, कोई कुत्ता इधर से खींच रहा था। लेकिन हुआ क्या? होना क्या था? मैं वजीफा पढ़ रहा था, पीछे से एक मज निकली और उसने मुझे मारे है टक्कर, तो मैं कम चिकड़ के अंदर, वहां से जो निकल के भागा हूँ तो उल्लू के पट्टे कुत्तों ने मुझे किसी दूसरे मुल्क का जासूस समझ लिया। बस उन्होंने मुझे खींचना शुरू किया, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, फुटबॉल खेलते रहे। ये थोड़ा सा कपड़ा अपनी पतलून का एक कुत्ते के मुंह से खींच के लाया हूँ, ये देखो बेटे, जरा देखना इससे मेरी पतलून ठीक हो जाएगी। और ये क्या कर रहे हैं? बाकी का भी देने लगे मुझे, छोड़ दो। इसका मतलब है कि वजीफा उल्टा हो गया। उल्टा हो गया? मैं तो तुम्हें अब उल्टा टांग दूंगा, तुमने समझा क्या है मुझे? नहीं दीवाना साहब, देखिए आराम से, मैं इसको अभी सीधा करता हूँ। किस तरह सीधा? एक मिनट मुन्नी, तुम ऐसा करना कि जल्दी से नमक मिर्च और एक नींबू जल्दी से ले। नमक कोई जरूरी, कोई जरूरी, कोई जरूरी। ये तो मुझे एक्टर बनाना चाहते हो या मेरी चांपे खाना चाहते हैं? नहीं ये बात नहीं है, मैं आपको वो धुनी देना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे धुनी। हाँ। धुनी तुम्हें दूंगा मैं, मैंने अगर एक्टर बनना होगा तो बन जाऊंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे नुस्खों की। हाँ। मुंह पे दाढ़ी रखी हुई है और शर्म नहीं आती। क्या है मेरी दाढ़ी को? ये दाढ़ी है, ये तो ऐसे लगता है जैसे चिड़े की चुंझ होती है, चिड़े की चुंझ। दीवाना साहब। दीवाना क्या साहब? दीवाना कहते आज तो मेरा सरमाया बेटी, और तुम्हारे प्रोफेसर आए तो उनसे भी कह देना कल आने के लिए। जी गिरा है आओ करें कवाली, गुड़िया रानी की साल गिरा है आओ करें कवाली। दूर तलक हो धूम धड़का ऐसी बजाए ताली, ओ ताली। गुड़िया रानी की साल गिरा है आओ करें कवाली, दूर तलक हो धूम धड़का ऐसी बजाए ताली। तौड़िया गुड़िया रानी की साल गिरा है। मैं गया एक डायरेक्टर वहां पे मिल गया, उसने कहा तू कौन है?
मैंने कहा मैं एक्टर हूँ बेनजीर, मैं एक्टर हूँ बेनजीर, ओए मैं एक्टर हूँ बेनजीर, मैं एक्टर हूँ बेनजीर। उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा पिक्चर तेरी, उसने कहा क्या रोल दूं, मैंने कहा मर्जी तेरी, उसने कहा मालिश करो, मैंने कहा वो हो चुकी, उसने कहा कैसे हुई, मैंने कहा ऐसे हुई, वे आज मालिश कराई जा चुप करके, वे आज मालिश कराई जा चुप करके, जे मजा मालिश दा लेना ही ओ मैनू नोट तू लाई जा चुप करके, ओ आज मालिश कराई जा चुप करके। फिल्म में मालिश करवाने की रस्म थी मैंने डाली ताली, गुड़िया रानी की ताल गिरा है, आओ करे कवाली, गुड़िया रानी की ताल गिरा है। हॉलीवुड की सैर को मिल गया यूं अल्फ्रेड हिचकॉक को, पकड़े मेरे उसने कदम, देने लगा मुझको कसम, एक फिल्म तुम मेरी करो, देखो ना ऑफर रद्द करो। मार्लन ब्रांडो आ गया, उसने बड़ा झगड़ा किया, जिसने किया था मुझको चेक था एक्टर ग्रेगरी पैक, जो मेरी प्यारी फैन थी वो सूफिया लॉरेन थी, एक्टर थी वो बेनजीर, एक्टर थी वो बेनजीर, एक्टर थी वो, एक्टर थी वो बेनजीर, एक्टर थी वो बेनजीर। एक फिल्म जो साइन हुई, फिल्मों की फिर लाइन हुई, जिस दिन से मैं लंदन गया पागल दा पुत्र बन गया, मेमो से घबराने लगा है, तंग आके ये गाने लगा, मैं वलैत कानू आ गया, मैं वलैत कानू आ गया, हाय मेरे मौला मैं वलैत कानू आ गया, हो यारो हुण ते मैं घबरा गया, मैनू खिच लै इथों ए सड़दे मैं थों, मैं वलैत कानू आ गया, छोड़ के लंदन की गलियां मैं आ पहुंचा टकसाली ताली, गुड़िया रानी की सालगिरह है, आओ करे कवाली, गुड़िया रानी की सालगिरह है। मैं हाजिर हो सकता हूं? अंदर आओ। सर अगर हमारे फन की दाद देनी थी तो सबके सामने देते, यहां बुलाने की क्या जरूरत थी? आईने में अपना चेहरा देखो। जी। हमारे माशरे में पढ़ाने वालों को एहतराम की नजर से देखा जाता है, तुमने प्रोफेसर का रूप धार कर जो घटिया हरकत की है, अगर आज हम उसे माफ कर दें तो तुम जैसे नौजवानों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। यू आर राइट सर। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करना चाहता हूं, इससे बात खत्म नहीं होगी। कौन सी बात? जो मेरी और आलिया की रजामंदी से शुरू हुई। क्या बकते हो? सर मैं आलिया से मोहब्बत करता हूं। सर सर अगर आपके सीने में दिल है तो हमारी इस नादानी को अपनी शफकत के साए में छुपा लीजिए, जुदा होकर हम जिंदा नहीं रह सकेंगे, मर जाएंगे सर।
उठो। किसी के कदमों में झुककर भीख मांगी जाती है, मोहब्बत नहीं। तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनसे कहो कल आकर हमारे साथ चाय पिए। ये सर। क्यों मैं गुना? ये सर। थैंक यू सर। जानती हो हम तुम्हारे लिए क्या फैसला करके आए? पापा, आपने आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया जो आपकी बेटी के दिल का खून कर दे। अपने हाथों में मेहंदी रचाने की तैयारी शुरू करो बेटी। अब तुम्हें आंसुओं और सिसकियों के साये रुखसत करने का वक्त आ गया है। पापा, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। जाना चाहिए था, पर आए क्यों नहीं? खुद जाकर मालूम करता हूं। लेकिन नहीं, नहीं, इस तरह बेटी की कदर घट जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। सारी बता रही है कि जिस दौलत पर गुरूर था वो साथ छोड़ गई है। वक्त जब अर्श से फर्श पर ले आए तो बड़े लोगों से मिलने के लिए पहले वक्त लेना चाहिए। तुम सीधा मुंह उठाए इस घर में कैसे चले आए? खुर्रम ने जिस वक्त मुझे बताया कि एक बेटी का बाप मेरे साथ चाय पीना चाहता है तो खुशी में ये जानने का होश ही ना रहा कि सामना किससे होगा। तुम खुर्रम से क्या नाता है तुम्हारा? खुर्रम मेरा नवासा है। तो खुर्रम तुम्हारा नवासा है और तुम उसे मेरा दामाद बनाने आए हो? आपसे बेटी की भीख मांगने आया हूं। मुझसे जो कुछ हो चुका उसे भूल जाइए। जैसे याद रखते रखते मेरी उम्र की सुबह जिंदगी की शाम में ढल गई, तुम कहते हो मैं उसे भूल जाऊं? अगर वो सब कुछ याद रहा तो मेरे नवासे को खुशियां नहीं मिल सकती। खुशियां सत्य नहीं मिलती और ना बेटियां खैरात में दी जाती हैं। ये तो हम अच्छी तरह जानते हो सेठ कि बड़े लोग नाते इंसान से नहीं उसकी हैसियत से करते हैं। अगर हमसे नाता जोड़ना है तो पहले अपना बैंक बैलेंस दिखाओ, अपनी कोठियां गिनवाओ, अपनी गाड़ियों की तादाद बताओ। अगर ये सब कुछ नहीं है तो अपनी बेबसी का रोना रोकर हमें तरस खाने पर मजबूर करने के बजाय खामोशी से अपनी गुर्बत के अंधेरों में लौट जाओ। यहां से खाली हाथ लौटने का तुम्हें मलाल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि जिंदगी ताश की बाजी की तरह है। कल अच्छे पत्ते तुम्हारे हाथ में थे, इसलिए जीत तुम्हारी हुई। आज वक्त ने अच्छे पत्ते मेरे हाथ में दे रखे हैं, लिहाजा जीत
चले गए पापा? हाँ, काफी देर हो गई। तो आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं सोच रहा था तुम्हें ये खबर कैसे सुनाऊं। आप मुझे सुनाएं पापा, मैं अपने आप को तैयार कर चुकी हूँ ये खबर सुनने के लिए। आलिया, मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया है। मैं समझ गई। क्या? यही कि खुशी खबर एक कम नहीं सुनाते, कहीं सुनने वाला मर ही ना जाए। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा आलिया। ये झूठ है। ये सच है। तो मैं आपसे अपनी बेटी के दिल पर बिजली गिराने की वजह जानना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बड़े नाजों से पाला है आलिया। तुम्हें शो आराम, गाड़ी और बंगले की आदि हो चुकी हो। अब वो लोग तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। लेकिन पापा, जिंदगी गुजारने के लिए गाड़ी और बंगले की जरूरत नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। वो तो मुझे फाके में रखे तो मैं उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हूँ। फाकों का जिक्र करना बड़ा आसान है बेटी, लेकिन फाके काटना बहुत मुश्किल है। ये मेरा तजुर्बा है। जिंदगी गुजारने का हौसला तजुर्बों से नहीं, दिल से मिलता है पापा, पर मैं उससे वादा कर चुकी हूँ। मैं वादों और कसमों को नहीं मानता। भूल जाओ अपने वादे को। हो सकता है आप किसी से वादा करके भूल गए हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं शादी खुर्रम के साथ करूंगी, ये मेरा फैसला है। ये तुम्हारा फैसला है और मेरी अना का मसला है आलिया। मैं रेजा रेजा होकर भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे फैसले पर अपनी अना को कुर्बान नहीं कर सकता। क्या कर रहा है? मैं जानती हूँ बेटा, आज तो इतना खुश क्यों है? माँ, वो नाना जान आ गए और मुझे लगता है कि बात पक्की हो गई है। बस अब तू जल्दी से अपना हाथ बटाने वाली लिया, फिर तू हुक्म चलाना और वो तेरा हाथ बटाएगी। पापा, बात पक्की हो गई है ना? इस पगले का इंतखाब पसंद आया, दिन कौन सा तय हुआ? इसकी नौबत ही नहीं आई। बचपन में जब भी ये किसी खिलौने के लिए मचला, मैंने हर कीमत पैसे लाके दिया, लेकिन आज जिसे लाने के लिए इसने मुझे भेजा, जानती हो उसका बाप कौन है? नहीं पापा। सुनोगी तो दिल पकड़ कर बैठ जाओगी। आप मेरे दिल की फिक्र न करें, आप बताइए वो कौन है? कभी हैसियत में इतना कमतर था कि मैंने मुंह लगाने के काबिल नहीं समझा। फिर उसने जायज और नाजायज तरीके से दौलत इकट्ठी कर ली, जो उसकी फितरत के घटियापन को नहीं छुपा सकी। लेकिन नाना जान, उन्होंने कहा क्या? बोला, ये ठीक है मेरी बेटी तुम्हारे नवासे को पसंद करती है, लेकिन मैं कुछ देने की बजाय तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूं। कीमत बताओ, क्या लोगे अपने नवासे का? अब तुम दोनों बताओ, क्या मैं खुर्रम को उसके हाथ बेच जाता? नाना जान, आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। कभी वक्त आया तो मैं उन्हें बताऊंगा कभी किसी टकसाल में वो सिक्का नहीं ढला जो किसी मां से उसका बेटा खरीद सके। सर, मैंने मालूम कर लिया है, वो लोग आपके ही किराएदार हैं। तो मुझे डसने वाले मेरे यास्तीनों में पल रहे हैं। जाओ, जाकर मैनेजर से कहो कि उन्हें इसी वक्त बेदखल कर दें, और अगर वो बात मानने से इनकार करें तो सख्ती से काम लें, उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दें। अरे, तूने खाना खाया? जी हाँ। चेहरे से तो लगता है अभी तक कुछ भी नहीं खाया। नाना जान, आप बैठे हैं, देखते ये मकान खाली कर दो। जी, ये मकान खाली कर दो। मैं जानता हूं कि किराया बढ़ाने के लिए ऐसे हुक्म अक्सर मालिक मकान
किरायेदारों से करते हैं, लेकिन इसके लिए तो पहले नोटिस देना पड़ता है। मेरी जुबान को नोटिस समझकर ये मकान खाली कर दो, वरना वरना क्या कर लेंगे आप? सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये किसका हुक्म है? हमारे सेठ का। कौन सेठ? जिनसे आप बेटी का रिश्ता मांगने गए थे। तो जाइए, कानून का दरवाजा खटखटाइए, हम मकान खाली नहीं करेंगे। नहीं बेटा नहीं, कानून की लड़ाई लड़ने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, और हमारे पास जो कुछ है उससे पेट भरेंगे या वकील करेंगे। आप नाराज ना हो साहब, हम ये मकान खाली कर देंगे। ठीक है ठीक है। तुम दुनिया के रिवाजों के साथ थोड़ी सी बगावत करके मेरा हाथ थाम लेती तो इंसानियत से कभी इतना न गिरता मैं जितना तुमने मुझे तड़पाया है। उतना ही तुम्हें तड़पाने के सिवा मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। पहले मैं तनहा रोया हूं, लेकिन अब अपने साथ मैं तुम्हें भी रुलाऊंगा, तुम्हें भी रुलाऊंगा मैं। ऊपर जाओ। जिन कदमों ने उसकी तरफ जाने का फैसला कर लिया है वो वापस नहीं जाएंगे। मैं कहता हूं ऊपर जाओ। नहीं, ये मेरा हुक्म है आलिया। आपका हुक्म मेरा इरादा नहीं बदल सकता। अच्छा किया, तमाचा मार के ये पहचान करा दी है कि बाप बाप ही होता है, और पालने वाला कभी बाप नहीं बन सकता। इस हकीकत का एहसास दिलाने के बाद किस नाते से रोकेंगे आप मुझे? उस बाप पद के नाते जो मैं तुमसे करता हूँ बेटी। नहीं, आप मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकते। आप पत्थर है पापा। नहीं आलिया, जिनकी आंख से आंसू छलक जाए वो पत्थर नहीं होते बेटी। मुझसे दुनिया की हर दौलत मांग लो, मैं तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर कर दूंगा। लेकिन खुर्रम का ख्याल अपने दिल से निकाल दो आलिया। मुझसे मेरी जिंदगी ले लीजिए, लेकिन खुर्रम की मोहब्बत को मेरे दामन में भर दीजिए पापा। तुम्हारी जिद मेरे बरसों के अना को झुकाना चाहती आलिया, तो सुनो, अगर तुमने कदम बाहर निकाला या तुम्हारे होंठों पे कभी उसका नाम आया तो मुझे जिंदा नहीं देखोगे तुम। तुम्हें दुनिया की सारी मोहब्बत तो मिल जाएगी, लेकिन बाप के प्यार को सारी उम्र तरसती रहोगी तुम। इस जहर को फिर होंठों से लगा लिया? यही कहने आए हैं। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, सुन सकोगे? तो वो मासूम बच्ची जिसे तुम जिंदगी की तरह चाहते हो, किस जुर्म में उसके रास्ते की दीवार बने हो? उससे अपने नाकाम मोहब्बत का इंतकाम लेना चाहते हो? सारी जिंदगी जिस आग में खुद जलते रहे हो, चाहते हो कि उसी आग में जलकर वो मासूम बच्ची भी राख हो जाए? तुम्हें इस मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं ऐसा करने से तुम्हें तस्कीन मिलती है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तुम दूसरों की खुशियां सिर्फ इसलिए छीन लेना चाहते हो कि इस दुनिया ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? खामोश हो जाओ। मैं खामोश नहीं रहूंगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। मत करो। इस घर में रहना है तो उन दीवारों की तरह रहो जिनके कान तो होते हैं मगर जबान नहीं, समझे? बहुत देर में समझा। मैं तो आज तक यही समझता रहा कि दोस्ती एक ऐसा नाता है जिसमें ऊंच नीच नहीं होता, लेकिन नहीं, एक दोस्त अमीर हो जाए तो वो गरीब से दोस्ती नहीं निभाता, उस पर एहसान करता है, एहसान करता है। क्या था मैं
इसके जिम्मेदार भी तुम हो, तुम हो। अंकल वो मुझे क्या रुलाएगा, एक मैं ही तो हूं जिससे वो डरता है। मुझे काम मिल गया है, यहां से जा रहा था ना इसलिए आंसू निकला। आप बेचारे उस पगले का ख्याल रखना, सिगरेट पिए तो रोक देना, उसे जिंदा रहना चाहिए, वो मेरी गुर्बत का यार है। तुम जा रहे? अगर कैसे जाओगे तुम? मुझे कुछ देना नहीं यार, ये देखो मेरे पास किराया है। किराए के बच्चे, तुमने घर से कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। हर कोई मुझसे नाता तोड़ना चाहता है, सभी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, मजाक समझ रखा है। देखता हूं तू इस घर से कैसे जाता है। सुना तूने? तो इस घर से नहीं जाएगा, तो इस घर से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं, तू छोड़ के किसी के कहने पर नहीं, आपसे कुछ पूछने आया हूं। क्या पूछने आए हो? आपने घर से बेघर किया, हमने एक झोपड़ी में पनाह ली, कल रात जो तूफान आया उसमें झोपड़ी की छत भी गई, आसमान हमारी बेबसी पर फूट फूट कर इस तरह रोया कि उसके आंसू में हमारा सब कुछ डूब गया। मैं पूछता हूं आखिर आप हमारे खानदान से किस बात का इंतकाम ले रहे हैं? चले जाओ यहां से, आपको जवाब देना होगा। अभी बहुत छोटे हो तुम, इतना छोटा भी नहीं कि मेरा हाथ आपके गिरेबान तक ना पहुंच सके। छोड़ दे मुझे, मैं तुम्हें इतनी आजादी नहीं दे सकता। ऊपर चलो, चलो बाहर। क्या है?
कसे ने कहा कि वही सेठ है माँ। हाँ माँ, मैं उससे पूछने क्या था कि हमें घर से बेघर करके वो हमसे किस बात का बदला ले रहा है। खुर्रम, ये खून देखकर आज मैं चुप नहीं रहूंगी। जिससे सर टकरा के तेरा खून निकला है, मैं उस पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कौन है वो दरिंदा जिसने माँ के दिल का खून कर दिया? क्यों खड़े हो तुझ दिल वैश्य साले? तुम भी तो साहब औलाद थे। मेरे बेटे के माथे से खून निकालते हुए तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि वही खून तुम्हारी बेटी की पेशानी से बहकर उसके दामन पर आता तो तुम्हारा कलेजा हिल जाता। तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर का तराशा हुआ टुकड़ा? मुझसे नजर मिला, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। बदलेंगे बदलते ही रहेंगे मौसम, अब न टूटेगा कभी अपनी वफा का संगम। मेरी जिंदगी में आग लगाकर तुमने अपना दामन फूलों से क्यों भर लिया? मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी तुम? चाची ने बताया था कि तुम मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए हो। और तुमने उनकी बातों का यकीन कर लिया? साथ मरने और जीने की बात में तो हमने खाई थी, फिर तुमने उनकी बातों का कैसे यकीन कर लिया? कैसे यकीन कर लिया तुमने? जब डैडी से मिलकर डॉक्टर ने भी तस्दीक कर दी तो क्या करती मैं? औरत थी, तुम्हारे गम की कड़ी धूप में अकेली खड़ी थी। तुम लोगों ने एक लाश को पकड़ कर दुल्हन बना दिया। शायद तुम्हारी बद्दुआ थी कि बस मैं घर में जाकर भी मैंने सुख का एक सांस नहीं लिया। जब तक शोर से तरह तुम्हारे तानों से मेरी जान चलाता रहा, लेकिन शिकवा तुम क्यों करते हो? शादी तो तुमने भी की है, बेटी के बाप तो तुम ही बने हो। बेटी का बाप हूं मैं, मैंने पाला है उसे, वो मेरा खून नहीं है। जिस दिल में तुम बसी थी उस दिल में आज तक किसी को जगह नहीं दी मैंने। मेरा दिल बूंद बूंद होकर चलता रहा, सारा जन्म आंखों में काट दिया मैंने, लेकिन वफा के नाम को बदनाम नहीं किया। और तुम जिस आग में जल के राख हुए हो उसी आग में कोयला मैं भी बनी हूं। रिश्तों का रूप बदल जाने से बुनियादें खत्म नहीं होती। अब तुम बेटी के बाप और मैं बेटी की माँ, हमारी तोड़ो के कटी या सुली पे सोके हमने काट दी। हाँ, अब अपनी औलाद की सासों में जिंदा रहे। तुम बेटी को अपनी वफाई दे दो, मैं बेटी को जिंदगी की दुआ देती हूँ। फिर उनका हाथ में हाथ देकर जिस आग में हमारे ख्वाब चले उसकी तपिश उनकी जिंदगी से दूर कर दे। बोलो।
जवाब दो, क्या सोच रहे हो? मेरी बात मानोगे या मुझसे उस बेवफाई का इंतकाम लोगे जो तुमसे मैंने नहीं की? मैंने नहीं की। वक्त का तकाजा यह है कि तुम्हारा मान तोड़कर तुम्हें यहां से वापस भेज दूं। वफा मजबूर कर रही है कि अपनी हर खुशी तुम पर निछावर कर दूं। आलिया, आलिया, इधर आ। ये कुर्रम की मां है, मैंने तुम्हें इन्हें सौंप दिया है। हाँ बेटी। खून का बदला लेने के लिए आई थी। खुर्रम, इनसे अपनी गुस्ताखी की माफी मांगो। तुम्हारी तरफ उठने वाला हाथ तुम्हारे सर का सारा बन गया है बेटा। जाओ, जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको गलत समझी थी पापा। आपने हमें मरने से बचा लिया पापा। तुम अपने पापा को बेइज्जत समझती थी ना बेटी? तुम्हें रुलाकर रोया मैं भी बहुत हूं। हम न बदलेंगे, बदलते ही रहेंगे मौसम। अब न टूटेगा कभी अपनी वफा।